हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शब्बीर शेख है। मैं ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं। पिछले 12 साल से मैं काफ़ी लोगों को ट्रांसफॉर्म करते आया हूं, फिटनेस के लिए, लाइफस्टाइल के लिए और फिजिक्स के लिए भी। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको ऐसे लगता है कि सप्लीमेंट्स जो है वो कोई मैजिक है। बेसिकली ऐसा होता नहीं है। सप्लीमेंट्स भी आपके खाने की तरह ही काम करता है, बट ये एडिशनल होता है। लोग बोलते हैं कि सप्लीमेंट्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा एकदम क्लियर होता है कि अगर आपके न्यूट्रिशन का कंप्लीट, आपका डाइट कंप्लीट हो रहा है आपके न्यूट्रिशन को लेके, देन डोंट ऐड सप्लीमेंटेशन अननेसेसरी। लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि बहुत लोग जो है इसको मिसकंसेप्शन में लेते हैं कि मैं जिम गया था, मेरे ट्रेनर ने रिकमेंड किया, मुझे सप्लीमेंट्स लेना है। तो उनका क्वेश्चन सीधा मेरे पास वापस यही आता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं तो क्या उसमें सप्लीमेंटेशन ज़रूरी है या नहीं है। तो इसको एकदम स्ट्रेट रखते हैं कि सप्लीमेंटेशन तभी रिक्वायरमेंट होगा जब न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं होता है। न्यूट्रिशन में ज़्यादातर कमी, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ईजिली आपको अवेलेबल मिल जाता है। आप इडली खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं, और भी बहुत सारे उसके अंदर ऑप्शन हैं जो कार्बोहाइड्रेट में मिलेंगे। लेकिन प्रोटीन ढूंढना जो होता है वो सबसे बड़ा टास्क है। इवन मेरे लिए भी होता है, क्योंकि मैं खुद 6 मील्स इन अ डे फॉलो करता हूँ। तो मेंटेन कैसे रखें अपने आप को, या जो क्लाइंट है उनको ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स देने हैं तो उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो आके डिपेंडेंट या स्टक हो जाता है, तो तब आपको सप्लीमेंटेशन की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होती है। सप्लीमेंटेशन में वे प्रोटीन जो होता है वो मेजर काम करता है। ये आपको इसके लिए रेकमेंड करते हैं, या जनरली मैं रेकमेंड इसके लिए करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आपकी प्रोटीन जो है वो आपके नेचुरल डाइट से कंप्लीट नहीं हो पाती है। आप मैक्सिमम जो है 1 या 2 मील घर पे करते होंगे, जैसे लंच या डिनर, लेकिन उसमें भी अगर आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स रेकमेंड करते हैं। अब प्रोटीन्स के बारे में नेक्स्ट मिथ ये आता है कि प्रोटीन ले तो लिया, अब उसको एब्जॉर्प्शन में कैसे लाएं या यूज़ कैसे करें। तो ये एकदम सिंपल सा इजी फार्मूला है, इजी टास्क है, वेजिटेरियंस के लिए भी, नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी। अभी वेजिटेरियंस बोलते हैं कि सप्लीमेंट्स में प्रोटीन जो होता है उसमें वो नॉन वेज होता है, या है या नहीं है। तो मेरा बोलना ये है कि वो नॉन वेजिटेरियन नहीं होगा। वो इसके लिए नॉन वेजिटेरियन नहीं होगा कि उसमें सोया लिसिन ऐड करते हैं, तो वो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट में नहीं आता है। यूजेनिक न्यूट्रिशन का जो वे प्रोटीन है दैट इज़ प्योरली वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियंस के लिए भी काम आएगा और नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी काम आएगा। तो इसको सिंपल रखते हुए वापस एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोगों को वे प्रोटीन कंटिन्यूस लेना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस तो नहीं, लेकिन लाइफस्टाइल बैलेंस करने के लिए आपके न्यूट्रिशन का अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तो आपको डेफिनेटली वो लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपका गोल क्या है। मसल मास इंक्रीज करना है तो स्कूप साइज इंक्रीज होता रहेगा मसल मास के ऊपर। सिर्फ मेंटेनेंस फेज पे रहना है तो मैक्सिमम जो है दिन में 2 स्कूप भी रिकमेंडेड रहता है, जिसमें एटलीस्ट आपको 40-50 ग्राम ऑफ ए प्रोटीन मिल जाता है, इजीली अवेलेबल, और बाकी आप अपने न्यूट्रिशन से कवर कर सकते हैं। उसके बाद में आता है, मोस्ट लोगों का मानना ये होता है कि क्रिएटिन को तो लोग लिटरली ऐसे डरते हैं कि जैसे मतलब उससे कोई ना कोई बीमारी हो जाती है या साइड इफेक्ट्स। लोग साइड इफेक्ट्स के बारे में इंस्टेंट पूछते हैं कि सर क्रिएटिन लिया तो साइड इफेक्ट है क्या। बट मेरा बोलना ही है, क्रिएटिन जो है सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल है, अमीनो एसिड है, ये आपको आपके स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करेगा। अगर आप जिम गोअर हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, आपकी स्ट्रेंथ रुक गई है, आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है या सप्लीमेंटेशन है, रादर देन अ प्री वर्कआउट मैं रिकमेंड करूँगा आप क्रिएटिन पे जाएं। 5 ग्राम जो है पोस्ट वर्कआउट आप ग्लूकोज के अंदर ले सकते हैं, और इसको लेने के तुरंत बाद आप एनर्जी भी फील करेंगे, आपके स्ट्रेंथ में भी इम्प्रूवमेंट होगा। अब लोग बोलते हैं कि उससे किडनी खराब होने का बहुत डर होता है। किडनी खराब नहीं होती है अगर आपने वाटर इंटेक आपका बैलेंस किया हो। तो वाटर इंटेक कितना करना चाहिए, तो 4 से 5 लीटर एवरेज पानी का इंटेक आपको रखना ही है। मेरे ख्याल से साइंस स्टडीज़ जब हम स्कूल में भी करते थे 8 या 9 स्टैंडर्ड में, मुझे याद है उसमें भी लिखा गया था कि मोस्ट ऑफ द बॉडी जो कंजम्पशन हमारा है उसमें पानी का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। तो चाहे वो किडनी फ्लशिंग के लिए हो, बॉडी बैलेंस करने के लिए हो, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए हो, या सप्लीमेंट एब्जॉर्ब करने के लिए हो, या उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हो, पानी का रोल प्ले होता है। तो सेम जाता है क्रिएटिन के लिए, क्रिएटिन के लिए भी आपको 4 से 5 लीटर पानी रखना ही रखना है। बॉडी पंप भी दिखेगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और स्टैमिना भी इम्प्रूव होगा आपका।
अब उसके बाद में आते हैं वेट गेनर्स के ऊपर। तो वेट गेनर्स को लेकर भी काफ़ी मिथ्स होते हैं कि वेट गेनर्स लिया तो मेरा वेट गेन हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, डिपेंडिंग है आपको वेट गेनर किसको रिक्वायर्ड है। अभी कोई 100 किलो का बंदा आता है, मैं उसको रेकमेंड कर दूं कि आप वेट गेनर ले लो, तो डेफिनेटली उसका वेट गेन ज़्यादा हो जाएगा और उसको कार्बोहाइड्रेट और शुगर की वो टाइम पर ज़रूरत नहीं है। तो मैं वैसा रिकमेंडेशन कभी नहीं करता। एक्टोमॉर्फ अगर आपकी बॉडी है, आप बहुत लीन हैं और आपका वेट जो है वो कितने भी मील्स कंप्लीट करने के बाद में बढ़ता नहीं है, तब आप वेट गेनर का सेवन कर सकते हैं। बहुत इजी होता है, यूजन न्यूट्रिशन का वेट गेनर आता है, मास गेनर, वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प भी करेगा और आपके न्यूट्रिशन को बैलेंस करने में भी सपोर्ट करेगा। अब उसको कैसे लिया जाए, तो दिन में 2 स्कूप जो है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप ऐड कर सकते हैं और पोस्ट वर्कआउट आइडियली, क्योंकि उसमें कार्ब्स होता है, क्रिएटिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ये फास्ट एब्जॉर्ब करेगा और आपका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरा करेगा। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें टेस्ट। अब बहुत सारे वेट गेनर्स जो मार्केट में अवेलेबल होंगे, मे बी उसके अंदर टेस्ट का इफेक्ट नहीं होता सही, तो लोग प्रिफर नहीं करते हैं, बोलते हैं सर बहुत स्वीट था, बैलेंस नहीं था। यूजेनिक न्यूट्रिशन स्पेसिफिकली डिज़ाइन करके बनाया गया है टेस्ट, क्वालिटी और रिजल्ट्स के लिए। ट्राई कीजिए और आपका फीडबैक भी डेफिनेटली शेयर कीजिए उसके ऊपर। और उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, तो मोस्ट ये बड़ा टॉपिक होता है काफ़ी, वुमेंस है। वुमेंस का टॉपिक इसके लिए डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि उनको बहुत मिथ्स होते हैं और उनको राइट गाइडेंस नहीं मिलने पे उनका कॉन्सेप्ट जो है जिम को लेकर और सप्लीमेंट्स को लेकर, वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग को दिखाया जाने के हिसाब से उनको पोट्रे होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप वुमेन हैं, आपको लगता है कि मुझे मेरे डाइट में वे प्रोटीन का कंजम्पशन हो नहीं रहा है, तो डेफिनेटली आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से मिल सकते हैं, कोचेस से मिल सकते हैं, ट्रेनर से मिल सकते हैं, जो कि आपको ईजिली गाइड करेंगे। और मेरा भी रिकमेंडेशन ये है कि एज अ फीमेल आपकी भी सर्टन बॉडी रिक्वायरमेंट है जो प्रोटीन आपको लेना ही है, लेकिन क्या सप्लीमेंट्स के ऊपर ही डिपेंड है? नहीं, न्यूट्रिशन में अगर आपका बैलेंस होगा प्रोटीन तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर न्यूट्रिशन में नहीं होता है तो एटलीस्ट 1 स्कूप पोस्ट वर्कआउट आइडियल है लेना। क्यों? अब लोग बोलेंगे कि पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन ही क्यों लूँ, अंडा भी खा सकती हूँ मैं, या मैं चिकन भी खा सकती हूँ। तो द ओनली प्रॉब्लम विद दैट इज़ डेफिनेटली आप खा सकते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आएगी, वो एब्जॉर्प्शन में जो है वो 1 to 2 hours लेगा वो एब्जॉर्ब होने के लिए आपके मसल के अंदर। इससे बेटर है अगर आप प्रोटीन लेती है विद इन स्पैन ऑफ 30 मिनट्स आपके वर्कआउट के बाद में, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मसल मास बिल्डिंग में भी। मसल मास का मतलब साइज से या मस्कुलर होना नहीं होता है, बॉडी के टिश्यूज़ जो है उसको रिपेयरिंग में उसके अमीनो एसिड्स भी काम आएंगे और साथ ही साथ में जो है वो प्रोटीन आपका बैलेंस रिक्वायरमेंट के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो ये रिकमेंडेशन मेरा वुमेंस के लिए स्पेशली है। अब वुमेंस के लिए और कौन से सप्लीमेंटेशन है जो ऐड कर सकते हैं या हेल्पफुल होगा? बहुत सारे लोग जो हैं वो पावर लिफ्टिंग में होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं स्पोर्ट्स में भी होते हैं, डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ जिम में ही आती होंगी, आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स में रिक्वायर्ड होता होगा, कहीं क्रिकेट खेलती होंगी आप या कोई और स्पोर्ट्स होगा जिसमें आपको एनर्जी की काफ़ी कमी महसूस होती है, तो कौन सा ऐसा सप्लीमेंटेशन है जो आपके काम आ सकता है? तो मेरे लिए 2 रिकमेंडेशन इसमें भी है कि एक वे प्रोटीन आप ले सकते हैं क्योंकि मसल रिपेयरिंग में भी हेल्प करेगा, उसके ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, ग्लूटामाइन भी है वो रिकवरी में हेल्प करेगा, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग यू कैन यूज़ इट। और उसके बाद में आता है BCAA, ब्रांच एंड अमीनो एसिड, जो आप इंट्रा ट्रेनिंग या इंट्रा स्पोर्ट्स आपके यूटिलाइज कर सकती हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू री एनर्जाइज, रीफ्यूल योर मसल्स ऑल्सो और एनर्जी ऑल्सो। तो आपको स्पोर्ट्स में भी इसका, स्पोर्ट्स एथलेटिक में भी आपको इसका सपोर्ट मिलेगा, मैंने काफ़ी स्पोर्ट्स लोगों को भी ट्रेन किया है, तो डेफिनेटली ये एक बेटर पार्ट होता है। पावर लिफ्टिंग में भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स में एंटर होना चाहती हैं, अब उनका भी थोड़ा सा एक डर होता है कि क्रिएटिन क्या लड़कियां यूज़ कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। आपका स्पोर्ट्स है, आपके स्पोर्ट्स में डिमांड होता है कि आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड डोसेज के हिसाब से, ओवरडोज ना करें किसी भी चीज़ को। इवन प्रोटीन को भी आप ओवरडोज करेंगे वो फैट में कन्वर्ट होगा, यूटिलाइज नहीं होगा और वेस्ट में जाएगा। तो आप क्रिएटिन ले सकते हैं, 5 ग्राम्स आपके लिए मैक्सिमम रिकमेंडेशन है, वो आप यूज़ कीजिए, स्ट्रेंथ में भी बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली। इसको 10 ग्राम ग्लूकोज के साथ में पोस्ट वर्कआउट आइडियली आप ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि क्या स्टैक हेल्पफुल होता है? अभी स्टैक में जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं जनरली कि कौन सा स्टैक लेना चाहिए। अभी डिफरेंट बॉडी टाइप है तो डिफरेंट स्टैक होंगे। अब अगर आप बिगनर हैं तो क्या आपको स्टैकिंग रिक्वायरमेंट है?
सप्लीमेंट्स के अंदर स्पेसिफिकली, तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि दो प्रोडक्ट भी बहुत सफिशिएंट होते हैं, जैसे वे प्रोटीन हो गया और क्रिएटिन हो गया। आपका बजट इशू भी नहीं होता है, इजीली आप वो इजीली अवेलेबिलिटी भी मिलती है और रिजल्ट्स भी बेटर आते हैं। लेकिन आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, आपका मसल मास कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुक गया है, स्ट्रेंथ रुक गई है, रिकवरी नहीं हो रही है, तो क्या स्टैक आपके लिए रिकमेंडेशन किया जाता है? मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप BCAA, ग्लूटामाइन और वे प्रोटीन, ये तीन स्टैक अगर आप यूटिलाइज़ करते हैं तो ये सारे जो भी चीज़ें हैं, आपकी मसल मास डेवलप होना, स्ट्रेंथ और रिकवरी, ये तीन चीज़ जो है वो मेजर रिक्वायरमेंट होती है आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा, और डेफिनेटली इसका भी फीडबैक मुझे बताइएगा। और उसके बाद में आते हैं पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो इवन इंटरमीडिएट लेवल पे भी ले सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है कोरामाइनो यूजेनिक न्यूट्रिशन का। उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपको आपके परफॉर्मेंस में भी हेल्प करेगी, मसल मास में भी डेवलपमेंट में हेल्प करेगी और साइज़ और स्ट्रेंथ में भी हेल्प करेगी। बहुत से लोग मुझे भी पूछते हैं कि सर आप ऐसा कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिससे आप हमेशा अपनी वैस्कुलरिटी को मेंटेन रखते हैं, या आप हमेशा पंप ही दिखते हैं? तो ऐसा कोई मैजिक पिल नहीं है, बट डेफिनेटली पाउडर अवेलेबल है। पाउडर फॉर्म में यूजेनिक न्यूट्रिशन का कोरामाइनो है, जिसमें आपको BCAA मिलेगा, ग्लूटामाइन है, आर्जिनिन है, टॉरिन है, और उसके साथ साथ में ये सब जब कॉम्बिनेशन आप इंट्रा वर्कआउट सिप करते हैं या आइडियली पोस्ट वर्कआउट भी लेते हैं, एनर्जी, स्ट्रेंथ और पंप, ये थ्रू आउट द डे आपको फील होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये थ्रू आउट द डे फील करना है और इंटरमीडिएट लेवल पे है, दिस इज़ द वन प्रोडक्ट विच आई रेकमेंड टू इंटरमीडिएट एंड इवन एडवांस पीपल, बिकॉज एडवांस बॉडी बिल्डर्स भी जो होते हैं वो मल्टीपल प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनका बजट जो है क्रंच हो जाता है। उसके साथ साथ में उनको 5-6 चीज़ों को एक साथ मिलाने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि उनके मील्स प्रिपेयर करने से लेके उनका ट्रेनिंग तक का टाइम लेना बहुत बड़ा टास्क होता है। बिकॉज आई हैव बीन इनटू द फील्ड, मुझे लगता है कि ये शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कोरामाइनो लेते हैं, अब डिपेंडिंग है स्कूप साइज रिकमेंडेशन के आपके बॉडी टाइप के ऊपर, इंटरमीडिएट है तो मैक्सिमम 1-2 स्कूप्स ले सकते हैं, एडवांस लेवल पे हैं तो 3-4 स्कूप्स भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग आपके गोल्स के ऊपर है। और अब उसमें आते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि इनिशियल लेवल पे क्या जिम जाने के कितने टाइम बाद प्रोटीन लेना चाहिए? मेरा रिकमेंडेशन है, पहले तो आप अपना मील पैटर्न चेक कीजिए। मील पैटर्न में अगर आपका न्यूट्रिशन कवर नहीं हो रहा है, देन यू कैन गो फॉर सप्लीमेंटेशन। राइट प्रोडक्ट विल टेक यू ऑन अ राइट पाथ और राइट रिजल्ट्स भी आएंगे। यूजेनिक न्यूट्रिशन के पास तो एंटायर रेंज अवेलेबल है, फ्रॉम BCAA, ग्लूटामाइन, प्रोटीन, गेनर्स, एवरीथिंग अवेलेबल। यू कैन गो ऑन द वेबसाइट एंड यू कैन चेक इट आउट, eugenicnutrition.com पे आपको ये सारा रेंज अवेलेबल मिलेगा। न्यूट्रिशन हमेशा वैल्यू करेगा आपके लिए पहला, और उसके रिजल्ट्स जो आएंगे वो डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखाएंगे। फिर आती है स्टैकिंग की बात, जैसे मैंने पहले बोला है कि स्टैकिंग आप कर सकते हैं धीरे धीरे। आपको रिजल्ट जब आपका स्टॉप होते रहेगा, एक सर्टन 6 महीना आपने किया, 8 महीना किया या साल भर कर लिया है और बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तब आप प्रोडक्ट को स्टैक करना शुरू कर सकते हैं विथ राइट गाइडेंस। तो डैट इज़ द मेन थिंग, और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन हमेशा इसके लिए यूजेनिक न्यूट्रिशन को जाता है। मैं पिछले 3 साल से ये प्रोडक्ट खुद कंजम्पशन कर रहा हूँ। इसका स्पेसिफिक रीज़न ये है कि वे प्रोटीन का जो टेस्ट है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट करंटली। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स लिए 12 साल के अंदर। आई राइट आर्टिकल्स ऑन सप्लीमेंट्स, मैं सप्लीमेंट्स पर लिखता हूँ, सप्लीमेंट्स हज़ारों लोगों को रेकमेंड किए हैं, बट ये प्रोडक्ट डेफिनेटली वन ऑफ द जेन्युइन प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। साथ ही साथ में मिक्सिबिलिटी, टेस्ट की गारंटी मैं खुद पर्सनली लेता हूँ इसके लिए, क्योंकि इसको मैंने 3 साल तक पी के देखा है और इसके फीडबैक्स भी लोगों से लिए हैं, तो डेफिनेटली ऑनेस्ट फीडबैक मिला है मुझे। ट्राई इट वंस, फिर आप अपना फीडबैक खुद शेयर कीजिए। वी विल बी हैप्पी टू सर्व यू। थैंक यू।